बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन पकौड़ा, जो कि बहुत यम्मी और डिफरेंट रेसिपी है, जिसके लिए मैंने लिया है 1 kg चिकन, जो छोटे छोटे पीसेस में कटवा लिया है। वन कप ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 1/4 teaspoon येलो कलर यानी कि जर्दा रंग, और ऑयल चाहिए फ्राई के लिए। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें चिकन ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, येलो कलर, वाटर और वाइट विनेगर। अब हम इसे बंद करके 2 मिनट का प्रेशर देंगे। चिकन को 2 मिनट स्टीम देने के बाद हमने निकाल के यूं डिश में बिछा लिया। हम इसको कंप्लीट ठंडा कर लेंगे और इसका पानी जो है वो भी हमने अलग निकाल लिया, उसको भी कंप्लीट ठंडा कर लेंगे। जब ये कंप्लीट कूल हो जाएंगी दोनों चीज़ें, फिर नेक्स्ट स्टेप। चिकन और पानी बिल्कुल कूल हो चुके हैं, अब हम इसी पानी के साथ बेसन को घोलेंगे। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप और ज़्यादा इसमें रेड चिली डाल सकते हैं। और मैं आपको बताना भूल गई कि इसके लिए हमें 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल भी चाहिए। अब हम इसी पानी को थोड़ा थोड़ा बेसन में डाल के जितना हमें ज़रूरत है उसके साथ हम इसे घोलते हैं। ये देखें, इस तरह हमें चाहिए। अब हम इसको चिकन के ऊपर डाल देंगे सारा अच्छी तरह। यूँ हम सारा बेसन इनके ऊपर डाल देंगे चिकन के ऊपर, और जो तिल थे वो हम ऊपर डाल देंगे। तिल डाल के हम इन्हें 20 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें ऑयल गरम करेंगे और यूं हम इसमें उठा के ये चिकन इसमें डालते जाएंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम सारा चिकन फ्राई करेंगे। पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, जैसे ये फ्राई होते हैं हम डिश आउट करते हैं। चिकन पकौड़ा तैयार है, प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जज़ाकल्ला। खुदा ताला करें आपके दस्तरखान यूं ही अच्छे अच्छे खानों से सजते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।